भाइयों की हैरत और बाप की हैरत कहाँ जाती है जब उनकी बेटियां टाइट ड्रेसेस पहन के अंदर चल के जा रही हैं और वो साथ चल के जा रहे हैं और वेटर की नजरों को आप देखें जरा, और जो लोग आए हुए उनकी नजरों को आप देखें, सब देख रहे होते हैं ये दयूस कौन है, उसको जन्नत की खुशबू तक नसीब नहीं होगी। दयूस को जो गैरत फील नहीं करता अपनी बहनों अपनी बहन की अपनी माँ के बारे में बीवी के बारे में। अच्छा लोग कहते हैं जिंदगी में एक ही तो मौका आया है खुशी का, एग्जैक्टली। और हमारा पता है क्या, वल्लाही अल्लाह के बंदे जिंदगी में एक ही मौका आया अल्लाह ने टेस्ट करने का, उसमें फेल हो गए, उसमें फेल हो गए, मतलब उसी में फेल कर दिया अपने आप को। एक टेस्ट एक पर्चा आया था जिंदगी में, उसमें अपने को फेल कर दिया, उसी में पास ना हो सके अनफॉर्चुनेटली। अच्छा देखिए ना, अब निकाह में जो आयत पढ़ते हैं उसमें से एक आयत क्या पढ़ते हैं, इतनी मारूफ आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला वअन्तुम मुस्लिमून। यानी ये इतना तमस्कुर अल्लाह ताला की आयात के साथ कि तुम्हें मौत ना आए जब तक तुम मुसलमान हो। तो अब ये देखें उसी के अगले दिन वो क्या कर रहे होते, स्टेज पे बैठे होते हैं आपके मौली साहब, ये निकाह नामा निकल जमा करते हैं, सिग्नेचर होता है, वो स्टेज उतरते और सारा ये जो हमारा डिस्कस करें शुरू हो जाता है। और वल्ला ही मैंने ऑब्जर्व किया है कि मैं नॉर्मल बंदों की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल यानी अल्लाह ताला सबको अच्छा मुसलमान बनाए, जो सो कॉल्ड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं, जब शादी का मौका आता है ना उनके पर्दे उतर जाते हैं, उनकी खवातीन बन टन के सवर के सामने आती हैं, इंटरमिंगलिंग हो रही होती है, नाच गाने चल रहे होते हैं, एंड आई वाज शॉक्ड यार, ये मुसलमान घरानों की बात हो रही है सो कॉल्ड प्रैक्टिसिंग। अब मैं कहता हूँ कि सुभान अल्लाह, यकीन करें एक शादी में अटेंड की, सुभान अल्लाह, यानी प्रैक्टिसिंग घराना था, वल्लाही यू नो द टाइम आई एंटर्ड, जब नाच गाना मैं देख रहा हूँ और बिल्कुल मिक्स बैठे हैं सब, ऑलमोस्ट यानी कोई बीच में पर्दा वगैरह कुछ नहीं है, वल्लाही मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको ये पता, ये वो हम लोग तो अभी इनसेंसिटिव हो गए ना ये ज्यादा माहौल देख के, मुझे बहुत शॉकिंग फील हुआ। और वल्लाही मैं आराम से जब एक साइड जाके बैठा ना, मेरी आंखों से आंसू आने लगते, मैंने कहा था व्हाट इफ इस टाइम पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर हो रहे हैं इस बैंक्वेट में। तो फिर मैंने सोचा यार क्या पता अभी दूल्हा या दुल्हन है फॉर इंस्टेंस, उसकी अल्लाह ताला उसकी जान निकाल लें अभी, तो क्या अपने होंगे हाफिज होंगे या कोई जो मर्जी होंगे, लेकिन वही बात आती है आप उठाए उसी हालत में जाओगे जो जिस हालत में आप मरे हो। तो मैं ये कहता हूँ ये अलमी है, अनफॉर्चुनेटली जो हमारे प्रैक्टिसिंग जो फैमिलीज है ना, वो भी जब खुशी का मौका ये आता है ना तो यकीन करें वो सब कुछ भूल जाते हैं, फिर शरीफ हो जाते हैं शादी के बाद। ये जो कपल है ना और ये जो फैमिलीज हैं, दे आर गोइंग टू मेक अ हलाल रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस एंड हुक्म ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑन द वे ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक कंप्लीटली 100% इस्लामिक चीज स्टार्ट हो रही है, और वो उस सारी चीज में आपने अपना गंद घोल दिया है, विच इज टोटली अन इस्लामिक, ऑल्दो यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग 100% इस्लामिक। ये जितनी भी हम बात कर रहे हैं ना, जो यंग लड़के लड़कियां हैं, जो शादी से पहले जो है कल्चर, ये जो कुछ भी करते हैं हरकतें, चाहे वो डेट्स हैं, चाहे घूमना फिरना, चाहे पार्टी, व्हाटएवर, ये कहाँ से ले रहे हैं? ये लोग वेस्ट से ले रहे हैं, ठीक है, या हॉलीवुड। मुझे कभी कभार सोचता हूँ कि यार किस हमारी इंसान है, हमारी अपनी कोई वैल्यू नहीं, मतलब इतने हम वीक हैं कि जो हम बाहर दूसरा देख रहे हैं अच्छा चलो उसको कॉपी करो अपनी वैल्यू। अब हमने ये जो ब्राइडल शावर फलाना बेबी शावर ये चीजें शुरू, ये कहाँ से शुरू कर, उनको ही देख के शुरू की, इतने हम वो गुलामी वाली हमारी सोच बन चुकी है, जितने हम मर्जी बड़े बनते रहे, जितने मर्जी बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े पैसे और बड़ी चीजें करें, लेकिन एक्चुअली अंदर से प्रॉपर गुलाम है, प्रॉपर कि हमने एक एक उनकी एंटरटेनमेंट उनसे लेनी है, मतलब एंजॉय कैसे करना है वो उनसे लेना है, फंक्शन सेलिब्रेट कैसे कर, एक बर्थडे से लेकर आप कोई फंक्शन उठा रहे हम उनकी कॉपी करते हैं, हम देखते हैं कि अच्छा जी नेटफ्लिक्स पे कैसे सेलिब्रेट हुई, अब हम भी ऐसे करेंगे। जो नए गाने होते हैं वो उस शादी पे प्ले डांस कौन से फलाने एक्टर एक्ट्रेस की शादी पे कौन से डांस हुए, हमने वो डांस भी वो कॉपी, और जो जितना अच्छी तरह कॉपी करेगा उसको ज्यादा नंबर याद देखे वो बन जाएगा, वो स्टैंडर्ड बन जाएगा यार, ही इज द कूल बॉय। इसको ना पोल्यूट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी इन चीजों के साथ, मतलब लुक एट द लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड इवन जो पायस लोग बाद में गुजरे उनके साथ जो कंपेनियंस, मतलब दी राइटियसनेस में वो लोग सबसे ऊपर, ठीक है, और उन लोगों की आप शादियां देखें, मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सारे कंपेनियंस के साथ हैं बिटवीन खैबर एंड मदीना, एक क़याम किया उन्होंने और उस तीन दिन के क़याम में उनकी शादी है सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ, ठीक है, सफिया बिन्त हुयै जो कि ज्यूश खातून थी पहले। आप ये देखेंगे ट्रैवल कर रहे हैं वो, दे आर ट्रैवलिंग एंड दे स्टॉप्ड फॉर 3 days एंड ही मैरिड देयर, और उनकी उनका वलीमा क्या है, लेदर मैट्स बिछाए गए हैं और मीट नहीं है, कोई ब्रेड नहीं है, कोई लैविश डिशेस नहीं है, सिर्फ योगर्ट है और डेट्स हैं।
दिस इज द वलीमा एंड शादी इज डन, ये कायनात की सबसे बेहतरीन शादी हो रही है, एक बहुत बड़ी डिच है, ठीक है। और इस डिच की तरफ जब आप जाते हैं ना तो इसके आसार बहुत ही पहले आपको नुमाया होने शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा रोड में क्रैक नजर आता है, थोड़े पत्थर नजर आते हैं, ये जो बिल्कुल स्टार्ट है ना, दिस गोज एज लो एज फॉलोइंग अ नॉन महरम ऑन इंस्टाग्राम, आई वुड से। एग्जैक्टली, तो वन हैज टू रियली निप द ईविल इन द बट, स्टार्ट एट द बिगिनिंग, मतलब डोंट गेट इनटू दीज थिंग्स। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ गए ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मुझे भी रिसेंटली आए, मैंने बताया कि मतलब नॉट इवन फॉलोइंग द नॉन महरम, यू नो, ये दिस विल नेवर स्टॉप, ऐसा नहीं होगा कि ये रुकेगा, फुटस्टेप्स ऑफ शैतान, यू नो। जारिया है, सवाब की नीयत से इसे दूसरों को भी शेयर करें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें।